हेलो एवरीवन, बैक अनदर यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज। शुरू करने से पहले मैं इन भाई साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँ। इस भाई को सपोर्ट करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका चैनल प्रमोट किया जाए, चैनल को चेक किया जाए फ्री में, तो फटाफट जल्दी से आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या पता अगले विनर आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हैं और आपके सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे हैं, मतलब आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। जब मैंने चैनल शुरुआत में स्टार्ट की थी, तो शुरुआत में मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें ट्राई की। मैंने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किए सफर सबके लिए कि आप मेरा सब्सक्राइब करो, मैं आपका सब्सक्राइब करूं। चैनल बहुत खेला हमने सब टू सब। उसके बाद में मैंने 1000 सब्सक्राइबर पैसे देके खरीदे थे, है ना, जो लोग बेचते हैं सब्सक्राइबर और वॉच टाइम, दोनों चीजें मैंने वॉच टाइम भी खरीदा 12,000 रुपए और सब्सक्राइबर भी खरीदे देके, पैसे देके। लाइव स्ट्रीम्स भी मैंने बहुत की सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर के लिए बहुत सारी लाइव स्ट्रीम्स मैंने की। फिर मैंने 100 सब्सक्राइबर और खरीदे एक और, जो सेलर थे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम थे, जो चैनल मोनेटाइज कराने के पैसे लेते थे, उनसे मैंने चैनल मोनेटाइज करवाना है का भी ठेका दिया। दूसरे लोगों की भी लाइव स्ट्रीम्स मैंने बहुत ज्वाइन की, क्योंकि मुझे लगा कि वहां से सब्सक्राइबर मिल जाए। उन्होंने कहा कि लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़वा देंगे। सब्सक्राइबर के लिए मैंने शुरू में सब कुछ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन बिलीव मानिए कोई भी चीज काम नहीं, किसी भी चीज ने वर्क नहीं किया प्रॉपरली। तो फिर मैंने क्या किया जिससे मेरे सब्सक्राइबर आज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 7,000 के ऊपर हैं ऑलमोस्ट, और धीरे धीरे डेली बढ़ ही रहे हैं। डेली आप देखेंगे, अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आप देखिएगा कि मेरा चैनल दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा चैनल बहुत तेजी में ग्रो कर रहा है और बहुत तेजी में ग्रोथ हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल भी ग्रो करे तेजी में इसी तरीके से, तो आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। और ट्रेंडिंग टॉपिक से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो चल रहा है ट्रेंड में वो। ट्रेंडिंग टॉपिक का मतलब है कि आप मल्टी विटामिन और विटामिन्स ना बेचें, ना दें पेशेंट को। पेशेंट को पहले समझे कि उसको क्या पेन है, उसको पेन क्लियर चाहिए, जो उसका दुख है, दर्द है, तकलीफ है, जो उसको पेन हो रहा है, जो वो सफर कर रहा है, जो वो इस टाइम स्ट्रगल कर रहा है, उससे उसको निजात मिल जाए, उससे उसको छुटकारा मिल जाए। पेन को आप प्लेजर में बदल दें और उसे खुशी मिल जाए। जो उसकी तकलीफ है, जो उसका दुख है, जो उसका स्ट्रगल है, वो खत्म करके उसको खुशी प्लेजर दे देगा। यानी आपको पेन किलर चाहिए। पेन किलर जैसे ही आप देंगे तो सामने वाला आपसे कनेक्ट हो जाएगा, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का, आइए देखो। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम्स देखनी है कि लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देंगे, इसमें आपको 3-4 चीजें आपको सर्च करनी होगी। पहले नंबर पे है कि आपको पीपल की नीड और वॉन्ट जानना होगा कि लोगों की नीड क्या है, वॉन्ट क्या है, उनकी जरूरत क्या है, और उसमें आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। मतलब लोग जहां पहुंचना चाहते हैं, जो लोगों के गोल्स हैं, एम है, पर्पस है, मकसद है, उसको आप कैसे हिट कर दें, आप उनको वहां कैसे पहुंचाते हैं, आप उनको सक्सेस कैसे कराएं। मतलब एक बात हिंदी में समझ लीजिए, जब तक आप दूसरों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आप दूसरों की मदद नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। तो पहले नंबर पे आपको क्या करना है, आपको लोगों की हेल्प करना, तभी लोग फिर आपकी हेल्प करेंगे। जब आप लोगों को ग्रो कराएंगे, लोगों के चैनल को ग्रो कराएंगे, लोगों के चैनल को प्रमोट करेंगे, तो लोग ऑटोमेटिक आपके चैनल को प्रमोट करेंगे और आपका चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। तो अगर आप बिजनेस किसी का ग्रो कराते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा। अगर आप किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं परिवार की, किसी की, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप देखिए कि सबसे ज्यादा लोग यूट्यूब पर क्या सर्च करते हैं, यूट्यूब पर लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या देखते हैं, और वो लोग अपनी कौन सी समस्या सॉल्व करना चाहते हैं, उनके स्ट्रगल को खत्म कर दीजिए आप बस। इन माय केस आप देखिए, मेरा एक कोचिंग कंसल्टिंग बिजनेस है जिसमें मैंने देखा कि लोगों को एनजीओ से बहुत सारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की और आप देखिए कि सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे वहीं से आए। फिर मैंने उसी से रिलेटेड एक और दूसरी वीडियो बना दी, तो आप देखेंगे, देखिए मैं आपको लाइव सब दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरी ये वीडियो है जिससे एक वीडियो से ही मुझे 3,500 मतलब 3,000 प्लस सब्सक्राइबर मिले हैं मुझको। एक वीडियो से मैं लाइव इसको कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर से आप देखेंगे कि लास्ट 365 डेज में हमको कितने सब्सक्राइबर मिले हैं। एक साल में हमें 2,000 के प्लस सब्सक्राइबर मिले हैं। और प्लस मैं सिंस अपलोड लगा दे रहा हूँ, तो सिंस अपलोड लाइव में आपको देखते आएगा 3,000 प्लस सब्सक्राइबर मुझे एक वीडियो से मिले हैं। ठीक है, ये सब्सक्राइबर हैं 3,000 प्लस।
और इसी की तरह मैंने एक और ये वीडियो बनाई है जिसपे उसी से रिलेटेड है, तो 300 273 करीब 300 सब्सक्राइबर मुझे इधर से मिल गए हैं, है ना। मैं इसको रिफ्रेश भी कर दे रहा हूँ ताकि आप देख लीजिए कि जो भी चीज़ है बिल्कुल ओके है, ठीक है। इसको भी मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, मैं लाइव दिखाता हूँ प्रूफ। आप जानते हैं कि मैं सारी एक्यूरेट जानकारी यहाँ पर शेयर करता हूँ। ये मैंने अभी रिफ्रेश कर दिया है, आप 2 मिनट में देखिए ये सब रिफ्रेश आ जाएगा। ये वाला देखिए रिफ्रेश होके आ रहा है पेज, और ये वाला रिफ्रेश होके आ रहा है पेज, ठीक है। ये 273 ये हैं और ये है रियल टाइम लाइव, लाइव अपडेट चालू है। ये 3,000+ सब्सक्राइबर, ठीक। तो अगर आप भी इसी तरीके से जो लोगों की जनरल प्रॉब्लम अगर उसको सॉल्व करते हैं और उसी तरीके के कंटेंट बनाते हैं, तो आप भी प्लीज मानिए आपके सब्सक्राइबर बहुत तेजी में बढ़ेंगे, बहुत तेजी में ग्रो होगा। और 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच आवर ये सिर्फ शुरुआत है, ये बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ा कोई टारगेट, बहुत बड़ा कोई एम नहीं है, सिर्फ शुरुआत है। और जैसे ही आप इसको माइलस्टोन को पूरा करेंगे, आप देखिए धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप क्या करिए, आप वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहिए, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहिए, और लगातार इस पे जुटे रहिए, वर्क करते रहिए, काम करते रहिए, और आप धीरे धीरे ग्रो करने लगेंगे। ज्यादा चक्कर में मत पड़िए फालतू में इधर उधर, बस आप क्या करिए, आप बेहतरीन कंटेंट बना बना के, वैल्यूएबल कंटेंट बना बना के, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट है ना, जो सॉल्व करे प्रॉब्लम दूसरों की, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बना बना के डालते रहिए, और आप देखेंगे आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, वॉच भी बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।